7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning everyone, ये है भाई गोवा में हमारा पहला दिन खांसी होगी आती के साथ ही। मेरा ना मेरे खांसी क्या दिक्कत है, देखो मेरे चीते बैठे पीछे बैठा, लक्ष्य इधर बैठा, ये अच्छा छोड़ो इसने तो ठीक है। अज्जू भाई दूसरे कमरे में, अज्जू भाई अभी सो रहे हैं। कितना भाई टाइम क्या हो रहा, हमें तो टाइम भी ना पता, इतने धुत हैं हम। बस मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी ना कर, रात में आके सो गए। मैं बताता हूँ भाई कल रात को हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। जो मैं कहता हूँ कि भाई रात को आके सो गया, भाई सो ही नहीं थे हम, हमने झूठ बोला था। मैं कहा चलो पब्लिक में तो बता देता हूँ, हम गए थे भाई पार्टी में, पार्टी थी केप टाउन कैफे में, मतलब हर जगह। रुक जा नो डोले वोले दिखा रहा। तो भाई हमारा क्या सीन हुआ, हाँ एक मिनट भाई, आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो मेरे को, मैं फिर वो आप अट्रैक्ट हो रहा हूँ ना आपकी तरफ। तो भाई सीन ऐसा हुआ, हम गए केप टाउन कैफे में, वहाँ पे पैर खासी होगी। केप टाउन कैफे में जाके भाई ये भाई यार तो आए थोड़े से लेट, तुम्हारी कितनी लैंडिंग हुई थी, 12 बजे से हुई थी मेरे हिसाब से है। भाई ये भाई यार आए लेट और वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी, अंदर जाके हमने थोड़ी बहुत पार्टी करी। इतनी भीड़ तुम सोच नहीं सकते, गोवा में जो जो आ रहा ना भाई, भीड़ के लिए रेडी हो जाओ। न्यू ईयर, आज न्यू ईयर है, मतलब आज रात को न्यू ईयर हो जाएगा, तो भाई इतनी भीड़ होने वाली ना। आज हम ढूंढ रहे हैं ग्रैंड पार्टी की, भाई पार्टी में जाके हमें बहुत मौज मस्ती करनी है, मतलब कि न्यू ईयर मनाना बहुत कैड़े तरीके से। तो भाई पार्टी ढूंढ रहे हैं, सब ने क्या कर रखा, जैसे बहुत सारे क्लब है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्लबों का क्या सीन है। क्लब है यहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे एक एक महीने पहले बुक कर रखा उन्होंने, पेटीएम इनसाइडर करके कोई ऐप है, उस पे जाके भाई बुक बुक हुए हैं शो वगैरह। और यहाँ पे आके पूछोगे तो मैंने पूछा भाई, मैं भाई कितने का शो है, कितने की एंट्री कर, 10,000 रुपये एक आदमी के। मका 10,000 रुपये एक आदमी के, इसमें तो हमारा पूरा वो भंडारा सा हो जाएगा। मका इसमें तो नहीं करना भाई, किसी दूसरे में भेजो, करा नहीं भाई, इतने की एंट्री है। स्टैग एंट्री 4,000-5,000, मतलब मिनिमम एंट्री 4,000-5,000 रुपये, इससे नीचे एंट्री ही नहीं। मका भैया हम तो गरीब आदमी, गरीबों को थोड़ा डिस्काउंट दे दो, कह रहा नहीं भाई कोई डिस्काउंट नहीं, जाओ यहाँ से गरीब हो तो जाओ वापस। मका ठीक है, तो हमने पैसा दिया, अंदर गए अपने नाच गा के उल्टे आ गए। सुबह उठे, अज्जू भाई अभी भी सो रहा है, अज्जू भाई अभी भी सो रहा है ठीक है ना। तो भाई अब आज का सीन ये, आज हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में बीच पे, और वहाँ पे अभी स्कूटी वगैरह लेंगे। यहाँ पे स्कूटी इतनी महंगी हो रखी है, स्कूटी लेंगे, देखते हैं भाई क्या क्या रेट मिलता है, क्या क्या सीन मिलता है, जुगाड़बाजी लगा के अपने स्कूटी लेते हैं और फिर अपने डोलते हैं। तो भाई अपना सीन ये था कि नीचे जाके स्कूटी लेके एक बार बीच तक घूम आएंगे, बट मैं तुम्हें बाहर का मौसम दिखाता हूँ, तुम भी कहोगे कि एलविस भाई बाहर मत जाना, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। देखो भाई जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं, गुड़गांव से देख रहे हैं, उस साइड देख रहे हैं, उनको तो धूप में मजा आ जाएगा कि वहाँ पे ठंडी तो नहीं हो रही है, बट यहाँ की जो धूप है ना इतनी पैनी है, इतनी ह्यूमिडिटी है ना यहाँ पे, देख लो कितनी कैडी धूप है, मतलब 35 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। बंद करके अंदर आ जाते भाई हम तो, बाहर तो बहुत धूप रखी है। और अभी अभी स्कूटी का पता करा था, स्कूटी मिल रही है 2,000 रुपये, मैं कहता था 1,500 रुपये पर दिन की मिल रही है, आज न्यू ईयर की वजह से 2,000 रुपये पर दिन के हिसाब से मिल रही है। तो भाई देखते हैं अभी एक स्कूटी लूंगा, नु कह रहे हम तो स्कूटी पूटी ना डोले, हम तो पैदल डोलेंगे, मैं लूंगा स्कूटी और भाई तो मैं दिखाऊंगा, फिर जाऊंगा बीच में, थोड़ी सी शाम हो जाने दो बस। एक अपडेट है, अभी हम लोग पता क्या कर रहे हैं, देखो कपड़े नहीं पहन रखे हम लोग, खा रहे खाना हम लोग खा रहे खाना, गु बनाने की मशीन हो रही है दोनों, सुबह है लस्सी 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 की रेल बांध रखी है, चाय की रेल बांध रखी है, और परांठे, इस बार परांठे हमने स्किप कर दिया, अब हमने मंगाई रोटी और कढ़ाई पनीर। नुकरा मैं कह रहा दाल मखनी खावा, नुकरा ना कटारे खावे दाल मखनी, हम क्यों खाएंगे, तो मैंने वो मंगा ली, मैं चल कढ़ाई पनीर खाते हैं, ये भाई अपना खाना होगा, ये लस्सी दिख रही है मस्त। भाई मीठा कह दी ठीक है भाई, भाई हम पे केस करवा दो ना। तो भाई अब सीन है भाई, कहना करा मोरजिंग ले यो, देख ले कल कांच तोड़ा था, अभी कह दी लगा भाई यार, अज्जू भाई अज्जू भाई नशे करे, जुराब उराब सोंग है काक सोंग लगे थी ये देख, नशेड़ी आदमी बैठ तन गिर गई होगी, ऐसे हो गया ना, कोई बात नहीं भैया गिरती रहती है चीजें यार, तू रो तू कैसे नंगा पड़ा है, अरे हम तो नंगे आदमी बता रखा है कि बाल कट गया तू, ओ हाँ यस पूरा साफ सुथरा है देख लो आप, बस थोड़ी सी दही बन जाएगी तो मौज आ जाएगी, छोरी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सोच मैं कहने वाला था मैं, छोरी चिपटी डोलेगी, कौन छोरी किसकी छोरी, किसी की भी, किसी की किसकी बात क्या, हम तो जानते नहीं, हम तो लड़की को जानते नहीं, हम तो लड़कों में इंटरेस्टेड। होटल से बाहर आ चुका हूँ मैं, और स्कूटी मिल रही थी यहाँ पे 2,000 रुपये दिन की, बट मैंने स्कूटी नहीं ली क्योंकि हम लोग ज्यादा, मैंने ले ली गाड़ी, गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी ये वाली मिली है मेरे को 6,000 रुपये दिन की, 6,000 रुपये दिन की, 2 दिन के लिए ले ली मैंने, 12,000 रुपये देकर, अब दिखाता हूँ गाड़ी, गाड़ी भाई यो धन्नो हमारी, गोवा नंबर देख लो, यो निशान सन्नी इसने दिया हम तो 6,000 रुपये दिन की, अब मिल गई इसकी चाबी, मिल गई चाबी लेना था भाई, भैया दे दो इसकी चाबी, थैंक यू। और ये अपनी गाड़ी है भाई देख लो, निशान की सन्नी, बहुत मजेदार गाड़ी भाई, एक नंबर की कवाड़ गाड़ी दे दी हम तय, इसमें हॉर्न भी ना बजाए, लाइट पीछे की टूटी पड़ी है, और डीजल में ऐसी इसका ब्रेक भी मतलब कमजोर है भाई, मुश्किल चलानी पड़ रही है, मतलब भगवान कसम मैं गोवा में डोल रहा हूँ, इतनी भीड़ है, स्कूटी ले लेते बढ़िया रहते, पर हम लोग भी तो ज्यादा है ना, लोग भी छो चढ़ रहे हैं मुझे, मैं क्यों ले ली मैंने इसके, इससे बढ़िया वैगन आ रहा है, हट जा अंकल है यार, गोवा में लड़ाई भी तो नहीं करना चाहते, साढ़े मिलकर मारेंगे ना तो मुझे, ये देख लो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई अब एक बार मैं ऐसे डोलने निकल रहा हूँ अपने बीच बीच चौड़ी, देखो घूम कर आते हैं जहाँ कहीं कम ट्रैफिक मिले मुझे, वहाँ का रूल भी तो नहीं पता, दूसरे गियर में चलानी पड़ रही है। तो भाई अपने घूमता हूँ फिर आपको बताता हूँ यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लो देख लो कितनी गाड़ी डोल रही है, हाँ हमारे मेरे ऊपर चढ़ा दे भैया, जिप्सी मेरे ऊपर चढ़ा दे,
क्या ही लड़ाई करा इनका साढ़े इंतजार नु कह रहा भैया चेक कर लेना गाड़ी लेने से पहले क्योंकि मैं कह रहा डिपॉजिट करवाऊंगा मैं कितना डिपॉजिट चाहिए नु कह रहा वो भाई बहुत पैसे लगते मैं कितना रुपया नु का 3000 मैं कहा जाना मैं नजर डिपॉजिट पे वो नु मैं कह तेरा साइड वाला होटल है भाई कहां भागता हूं मेरी शक्ल देखो दारू भी नहीं पीता भैया आपकी गाड़ी सेफ लेके आऊंगा नु कह रहा फिर भी भैया वीडियो बना लो कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो पहले देख लो मैं कहा भाई पीछे की लाइट टूटी पड़ी है हॉर्न इसमें ऐसा सीट इसकी टेढ़ी है और बता तो इसमें और कमी काट दो मैं चलती चलती रुक तो ना जाएगी ना ना भैया इतनी कमी भी मत निकालो मैं कहा ठीक है जना मिले डिपॉजिट 12000 रुपया दिया मैं कहा दो दिन के लिए गाड़ी दे हमते भी हो तो भाई घूमते हैं देखते हैं ये मंदिर भी हो मंदिर बड़ा करो भाई यहाँ की पुलिस इतनी डेंजर है ना भगवान कसम गैली गैली चलान काट दे यहाँ की पुलिस तो बहुत डर लगा मुझे वहां पे तो अपने नू फोन फान करवा के कि भाई यार रिश्तेदारी नहीं काटेगा वहां तो बच भी जाऊँ गुड़गांव हरियाणा में पर यहाँ तो भाई यहाँ तो बहुत बुरा सिस्टम है इनका तो कोई रिश्तेदारी जोड़ भी ना सके कहा हमारे तो कोई रिश्तेदारी नहीं है अभी तो चलो मेरी पुलिस तो पाला नहीं पड़ा अगर पुलिस का पाला पड़गा ना तुम्हारी कसम बता रहा हूँ चलान भर के निकल जाऊंगा साइड में मैं तो भाई इतना गुथे करूँ दूसरे स्टेट में समझदारी वाली बात तो यो भाई अपने एरिया में कुत्ता भी शेर है कुत्ता नहीं कह रहा वैसे मैं कुत्ता भी शेर होता पर मैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ के आदमी से नहीं उड़ा ना चाहिए अगर भाई तुम कहीं बाहर से आ रहे हो गोवा वाले बहुत डेंजर लोग हैं भाई काट भी सके तो मैं वो वाले उस नारियल वाले थे वैसे लोग अच्छे भी हैं बट ज़्यादातर लोग डेंजर हैं भाई अब हम जा रहे हैं पार्टी में आज है न्यू ईयर मतलब रात को 12 बजे अपना न्यू ईयर चालू हो जाएगा तो हम देख लो भाई यो तुम्हारा भाई लग रहा है सेक्सी और ये सारे ये थोड़े कम सेक्सी हैं ये यो ज्यादा सी यो सबसे सेक्सी और चश्मा लगा ले जल्दी चश्मा लगा ले रात में चश्मा लगा ले तो भाई सारे जा रहे हैं अभी प्लान अभी कहाँ हुआ है बट जब लोग आ जाएगा तब हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा तो सबकी तरफ से भाई हैप्पी न्यू ईयर और अब सीन ये है कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या तो हैमर्स जाएंगे या फिर थलासा जाएंगे वोटिंग होगी अभी देखें कौन सा क्लब का बैठता सिस्टम और उसके बाद करेंगे अपना पूरा आगे का कार्रवाई अज्जू भाई ये गोवा का क्या सीन बैठा दिया तुमने यार ये देखो भाई कितनी देर होगी हमको कम से कम यहाँ पे 2 घंटे हो गए और ये टाइम दिखा रहा है 8 मिनट पर ये रुक गया इसने भी दिखा दिया कि तू भाई साहब बहुत जाम भाई न्यू ईयर वाले दिन बहुत ही ज्यादा जाम ये देख लो कि आप कितना दिखा रहा है वैसे एलविस जाम तो ग्लासों में अच्छा लगता है रोड पे अच्छा लगता है ना हां ये बात तो सही 8 मिनट दिखा रहा अभी भी 2 घंटे तक 8 ही दिखा रहा अब राइट में भी बंद कर रखा है ये देख पुलिस वाला काम पकड़ने गाइस एक गुड न्यूज़ है वैसे तो भाई यू मैनुअल गाड़ी मेरे चलानी बहुत मुश्किल हो रही है अज्जू भाई ने मतलब कितना हो गया दोबारा 15 मिनट होगी क्योंकि हमने सामने वाला रास्ता लिया राइट वाला बंद कर रखा पुलिस वालों ने पुलिस वाले कहते हैं राइट से एंट्री है ही नहीं लो भाई 15 मिनट का रास्ता लो आगे कितने जाम है 7 मिनट का और जाम है मतलब कि 70 मिनट का जाम 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे हम 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे शिट भाई 10 बजे का अराइवल था 11 बजे पहुंच रहे हैं लो देख लो भाई पार्किंग का इतना बुरा हाल था हमने खेत में लगानी पड़ी खेत वाला मांग रहा हम तो 300 रुपए ने कर 300 रुपए पार्क में अपने एसटीसी यार ऐसी पार्क करके अंदर घुसेड़ कर भक्का आगे मुझे ऐसे डर लग रहा है किराए की गाड़ी का तो ठाना ले पूरी गाड़ी का पैसा देना पड़ जाएगा भगवान कसम भारी पड़ जाएगा मैं बता मेरी तरफ देख रहा था वो मेरी तरफ देख रहा था वो पार्किंग के चक्कर में फिर वो देख रहा था मैंने ध्यान किया मैं ऐसे खुजा तो मैं जाना अपना काम कर भाई अब यहां तो 1 किलोमीटर पैदल चलना ऐसा साला क्या क्लब हो गया भाई कौन सा क्लब है पूरा गो आ रखा है समझ रहे हो पूरा गोवा रखा है गोवा में कैसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे आदमी ने देखा हो कोई सेक्सी का पर चलो कोई बात नहीं भाई 1 किलोमीटर दूर है अपने पैदल पैदल जाके अब दिखाते हैं ऊपर क्लब क्या सीन है एक सरप्राइज दूं आप लोगों को मेरे साथ क्या हो गया है एक सरप्राइज दूं तुम कहोगे अलीस भाई ये क्या करवा लिया ये देखो तुम भाई ये देखो ये दिख रहा होट सूजा हुआ दिख रहा है इसके पीछे का रीजन सुनना तुम लोगों को यो भाई ये देख लो इस भाई ने बिल्कुल नाचना ना है नाचते नाचते कोड़ी मारी है और मेरा पहली बात तो मैं नहीं था वो अननोन था कोई तुम्हें मेरे लग रहा है मैं क्यों मारूंगा ये देख लो इतनी भीड़ इतनी थी पता ही नहीं चला इसका ओ भाई दुनिया भर की भीड़ नाश करवा दिया मेरे चेहरे का भाई वो लोग अब कैसे आएंगे मेरे चेहरा तो पकड़ना चाहिए था उस बंदे को यार इसने मारा उसके मारते भाई हम जस्टिफिकेशन दिए जा रहा भाई आप लोग को कोई बात नहीं भाई इसने नहीं करा बस इसने नहीं करा भाई मेरा दांत लग गया मेरे होंठ पे दांत लग गया होंठ पे और ये थोड़ा सा सूज गया यहाँ से मतलब यहाँ खून जम जाता ना तो अब ये होगा कल शाम तक ठीक होगा तो भाई तब तक मेरा ऐसे व्लॉग देख लेना मेरा चेहरा थोड़ा सा खराब होगा कभी तुम्हें लग रहा हो ठीक है तो बाकी आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सभी लोगों को और भाई ऐसे ही अपने खूब तरक्की करो जैसे ही मेरे साथ पहले दिन हुआ ना ये तुम मत होने देना अपने साथ ठीक है तो मौज लो अपने खूब तरक्की करो।